और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां निजी स्कूल की मनमानी को लेकर अभिभावक संघ आक्रोशित नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दूसरी बार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल शहर ने नमना कला में स्थित निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के परिजनों को फीस भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और फीस नहीं भरने पर परीक्षा से वंचित रखने का नोटिस भी भेजा जा रहा था। इधर लॉकडाउन की वजह से पालकों की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है और इस विपरीत परिस्थिति में स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस की मांग की जा रही है, जिससे अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं। स्टाफ वहां के कर्नल स्कूल के स्टाफ को बुला करके टीआई साहब ने उस पर संशोधित आदेश जारी करने के लिए उनको कहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वो लोग करेक्शन कर लेते हैं तो शायद हम लोग एग्री कर जाएंगे कि हाँ, भविष्य में इस तरह की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। डाला हुआ था कि थाना गांधीनगर 10:30 तो मामला पूरा अंबिकापुर का है। हालांकि इसके बाद फिर कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, जिसमें कोर्ट का कहना है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाएगी, बाकी स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। और अंबिकापुर में अभिभावक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत भी की गई है, जहां परिजनों का कहना है कि स्कूल द्वारा मनमानी की जा रही है, फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति सबकी डामाडोल हो गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता राम कुमार यादव जुड़ गए हैं। राम, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है और साथ ही जो स्कूल संचालक है उनका क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन सामने आया है स्कूल संचालक का? जी बता दूं आपको, ये पूरा मामला अंबिकापुर में स्थित रिंग रोड स्कूल से एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां की जो संस्था है संस्थापक के द्वारा ये कहा गया है, पूर्व में ये कहा गया था कि अगर फीस पूरा नहीं पटाया जाता है तो जो बच्चे हैं उनको ना परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ना किसी तरह की स्कूल के किसी कार्य में उनको उनकी संविदा रखी जाएगी, उनको मतलब स्कूल से निकाल देने की एक तरह की बात जो है सामने आ रही थी, जिससे काफी परेशान हो गए परिजन जो है वो थाने में घिराव किया। राम कुमार, अब तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ स्कूल संचालक ट्यूशन फीस ही ले सकता है, फिर क्या पूरी फीस वसूली जा रही है? यहाँ ऐसी बात सामने आ रही थी, लेकिन जब अभिभावक संघ के द्वारा इसकी शिकायत की गई थाने में और जब उनकी जो स्कूल की जो संस्थापक है उनसे बात की गई, तो उनके द्वारा ये कहा गया, लिखित में आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा अब जो है कि किसी भी तरह की फीस की मांग नहीं की जाएगी, जो वाजिब है वही लिया जाएगा। तो राम कुमार कह सकते हैं कि मामला पूरी तरह से अब सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और